टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है। तापसी जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप जानती हैं मैं आपको थैंक्स क्यों कह रही हूँ, अनुभव जी आपको भी, आप सभी को शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी हम इस पर बहुत चर्चा कर रहे हैं और हम जानते हैं कि जो स्टेटस जो है, जो फैक्ट्स हैं वो इस तरह से हैं कि हमारे देश में 80% से ज़्यादा जो है वो इस तरह की महिलाएं इन चीज़ों से गुजरती हैं। एक थप्पड़ तो बहुत ही मामूली बात है और इसमें मतलब पहली बार इस चीज़ को एक एड्रेस किया गया है। तो तापसी मैं ये सवाल आपसे भी जानना चाहूँगी और अनुभव जी आपसे भी कि ये किस तरह से औरतों को हेल्प करेगी, वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगी या उसको एड्रेस करना शुरू करेंगी या उसका विरोध करेंगी, क्योंकि जैसे फिल्म में भी है माएँ और सास या इस तरह से वही हमारी कंडीशनिंग है, उसी तरह से हमें सिखाया जाता है ना कि जिम्मेदारी हमारी ही है, हम ही औरतें हैं जिन्होंने अपने कहते हैं ना नाजुक कंधों पे घर को बचाने का एक भार उठा के रखा है। तो कैसे ये, क्योंकि बाद में तो जो हमारा नायक है वो कहीं ना कहीं प्यार में एक थोड़ा सा आकर के एक अपनी गलती को मानता है, तो बहुत असल में बहुत सारे सवाल मेरे जहन में, लेकिन मैं वो उसको एक में ही कहना चाह रही हूँ, पूछना चाह रही हूँ कि कैसे ये हेल्प करेगी, किस तरह से मतलब महिलाओं को इससे हेल्प होगी। अनुभव जी आप अगर पहले जवाब दें तो। मैं आपको एक बात करना, बस मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने ये फिल्म बहुत पहले देखी थी जी, और ये फिल्म मैंने पहली बार दिसंबर में देखी थी। और कई बार होता है ना, आप अपने आप को समझते हो कि आप बहुत ही, आप बाकियों जैसे नहीं हो जी, आप जो है काफ़ी लिबरल हो, आप जो है ऐसे हो वैसे हो, आप जो है बहुत खुले दिमाग हो, आप जो है इक्वालिटी ना सिर्फ बिलीव करते हो प्रैक्टिस करते हो, आप कुछ भी हो जाओ, ये फिल्म ना आपको एंटाइटल फील करती है। आपको दिखता है सुनने को, फिल्म को देखने के बाद मुझे पहली बार लगा कुछ भी हो मैं अभी भी एंटाइटल हूँ। ये फिल्म देखने के बाद मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये फिल्म इसलिए नहीं है कि औरतें, ये फिल्म आदमियों के लिए भी उतनी है कि देखने के लिए कि तुम कुछ भी समझ लो अपने आप को, तुम्हारे अंदर की जो पेट्रियार्की है ना उसका इतना अंश तो है तुम्हारे अंदर, लेकिन वो तो कितना गहरा है ना, मतलब कितना ज्यादा, मतलब मुझे लगता है उसको तो खोदते खोदते सदियां बीत जाने वाली है। वो खोदते रहना जरूरी है जी, खोदते रहना जरूरी है, वो खोदते रहना लगातार जरूरी है, और वो आप अपने अंदर लेके घूमते हो। मतलब मुझे याद है, मैं अनुभव के ऑफिस में बैठ के अकेले फिल्म देख रहा था और मैं आया, मैं पूरा इतना रोया था, मैं बात ही नहीं किया, हम लोग ने बात ही नहीं की, मैंने कहा भाई मैं अभी बात नहीं करूँ, घर पहुंच के आराम से दो ड्रिंक लेने के बाद फोन करूँ जी। अनुभव जी पता नहीं, मतलब यू से समथिंग बिकॉज़ आई नो यू, व्हाट यू एंड तापसी विल बी सेइंग विल बी डायरेक्टली आंसरिंग अ क्वेश्चन, बट आई वांट टू स्पीक एज एन ऑडियंस, आई जस्ट लाइक अनुराग डिड, रिस्पोंड टू द फिल्म। जब ये फिल्म की स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी और आज जो फिल्म मैंने देखी है, पहला एहसास आपको ये होता है कि ये कहानी एक कॉन्वर्जेशन है जो आप, जो फिल्म मेकर हम सबके साथ करना चाहता है, जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी शुरू होना चाहिए, जो शुरुआत उसकी हो चुकी है जी, और आपने फिल्म देख ली जी, शुरुआत हो गई जी, और जितने भी लोग इस फिल्म को देखेंगे, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, आदमी हो या औरत, बड़ा छोटा जो भी हो, उन सब के जहन में बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब आएंगे, बहुत सारे एहसास। और जितने लोगों ने अब तक ये फिल्म देखी है उनके दिल में इतने एहसास जगे हैं कि हम खुद थोड़े से चौंक रहे हैं, और ये इतनी तारीफ खुद की करेंगे नहीं, तो मैंने इनके लिए कर दी। आई थिंक ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है, एक एक ऐसा एहसास है जो हम सब के दिलों में जाग चुका है और जागता रहेगा, उम्मीद यही है, दैट्स व्हाई दिस फिल्म इज सो इम्पोर्टेंट। अनुभव जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी एक्चुअली हमारा आंसर भी सिमिलर ही होता कि हमारा तो काम था चर्चा शुरू करना, आगे चेंज लाना आपके हाथ में है। चलिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपको। उधर उधर वो बहुत देर से उन्होंने हाथ उठा रखा है। हेलो हाय, रुमेला प्रश्न है माझा, रुमेला प्रश्न है माझा, फायनल स्क्रिप्ट लॉक करण्यापूर्वी कोणता असा सीन होता की जो ज्यावर सर्वात जास्त काम करावं लागलं किंवा जो शेवटी लिहिला गेला,
Rana, can you translate the question also? Yeah, he's asking me which was the scene until the script got locked, which was reworked the most, which took the longest time to write, which was rewritten a lot. Hanji. So it was definitely Amrita and Vikram end scene, because we didn't want to get till that point and then make the audience feel that we've copped out. It's like you build, मी मराठी सांगते की तो जो सीन होता तो खूप कठीण होता, कारण का त्या पॉइंट पर्यंत आम्ही एक नॅरेटिव ठेवलेलो. आता त्याला त्याच्या चुकीचा त्याला समज होतो तो लांब गेल्यावर आणि ते तो सगळं सोडून येतो, तर त्याचं ते जे सोडून येणं होतं ते इमोशनल ब्लॅकमेल नाही वाटता कामा, ह्याची खूप काळजी घ्यायला लागली होती. त्यामुळे तो सीन खूप परत 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 लिहिला. इनफॅक्ट इवन शूटिंगच्या दिवशी सुद्धा तो आम्ही लिहित होतो. सो वी डिडंट वॉन्ट दॅट ॲज अ कॉप आउट फॉर विक्रम्स कॅरेक्टर. वी डिडंट वॉन्ट him leaving his world, the one that he was fighting for and for what all of this happened. We didn't want that as an emotional blackmail to be looked at as, he now I have done this also, at least forgive me now. We always wanted it as something that he realized, and something that he realized within that this is what I want to do now on my own. So for me that scene was really important, because this story doesn't get completed or doesn't get balanced until we at least project what is expected from the men. And that's also not falling into the trap, like bringing them back together. He realizes his and at the same time you don't want to reject the institution of marriage because of one mistake, and so that was also a big concern that we had ki aisa nahi ki shaadi nahi kar sakte agar tumhare pati ne tumhare sath badtameezi ki hai to jao divorce file kar do. That should not, that's not but how you had my character also to keep doing that, reminding everybody of that. I'm the only female character in the film who doesn't have a problem. Yeah, she's happy. That was Mrunmayee's thing, that she have a woman who doesn't need a man. She is self-contained. So, ek wo bhi karan tha, aur wo jo tha na usko line ke jab main blue door se andar jata tha to andar ghar to tha hi nahi, ghar to tere se tha. So, you know, him realizing which I actually wanted people to leave the theater with feeling bad for him. I don't know if that is happening. I love him. I love him. I love you. Can you please stand up? Yeah, sure. Hi, Mirma. This is Priyanka from Indian Express. Absolutely love the film. And, you know, so much of, I mean, everything is about the difference between male and female gaze. Even this film would be interpreted differently by men, women. But I wanted to ask you, you and Anubhav have come out like with such a beautiful collaboration, but in the writing process, did you feel that there was some difference of opinion or arguments, because essentially you were looking at a scene with a female gaze and he of course with his gaze? So I'm really happy you asked this question, because this male and female gaze conversation has started quite recently, and especially when a film talks about a woman as a protagonist, it comes up even more. We had a lot of arguments, but those weren't because of a difference of opinion. Those were about an aesthetic choice of how to do something. I think for me the learning was when he was handling Amrita's character on set, I was looking at Amrita in a certain way, which was my informed thinking of how this kind of a woman should be. And he had a really different, interesting view about her character. He saw her as someone who could possibly be flawed as well. And that was one of the biggest, contributions of a male gaze for creating Amrita as a very well-rounded character. I feel like whatever the gaze is, you know, for whichever subject it is, I think it's important for the female writer or male writer to be able to imagine it from both perspectives as much as possible, because until then, you, be it a female protagonist or a male protagonist, I just feel like the character doesn't reach any completion with just one gaze. So yeah, thank you so much. Hi Tapsi ma'am. Hi Tapsi ma'am. Hi. Hi. Movie is good, very good.
And my question is that, what is your opinion that our society is male-dominant society and how we can change it? What do you think that? ये आपने ना मुझसे वो वाला सवाल पूछा है जो मुझे इस पिक्चर नहीं मुझे अपनी वो दूसरी तीसरी पिक्चर से ही पूछे जा रहे हैं लोग मैं अपना काम कर रही हूँ ना आप अपना करना आके पैसे देके ऐसी टिकट खरीद के ये वाली पिक्चर देखना और सबको बोलना खरीदेंगे ताकि एटलीस्ट ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लें लोग ओके वी आई एम डूइंग माई पार्ट यू डू योर्स दैट्स ऑल आई कैन से इन चेंजिंग द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थैंक यू आपकी हाइट से दिख सर मेरे लिए वो सब बहुत टचिंग था जब रत्ना पाठक शाह कुमुद मिश्रा को कहती हैं कि मैं गायिका हो सकती थी और मैं गायिका नहीं बन पाई तो कुमुद मिश्रा उनसे कहते हैं कि किसने रोका था वो सीन के बारे में कुछ बनाएंगे क्या वो आफ्टर वो भी एक आफ्टर थॉट था या पहले से उस तरह से उसे आप लोगों ने लिखा था उन्होंने आप भी बोल सकते उसमें That takes me back to Mulk. So Sudhir Mishra, Sudhir bhai, he reads all my scripts. So Mulk ko padh rahe the, achhi lag rahi thi sab kuch. Wo baar baar mujhe bol rahe the ki, yaar she's too good, she's too sweet, she's too sweet. Inka rishta ekdam bilkul bahut cute hai unka aur uske husband ka. To kuch karna, usme kuch karna. To fir wo ek angle aaya tha ki wo separate hone wale the. Wo actually aayi ye batane ke liye thi ki hum separate ho rahe. I had the same feeling this time, even without Sudhir bhai saying that. ये couple जो है ना ये बहुत cute है. Ideal couple होता नहीं कोई. तो मैं जो बहुत शुरू से परेशान था कि इनको कैसे खराब करूँ. तो फिर मुझे मेरी एक cousin याद आई, जो बचपन से गाना सीखती थी. और प्रभाकर और प्रवीण होता है UP में कुछ universities में music. तो प्रवीण is equivalent to MA in music. उसने प्रवीण किया था. फिर उसकी शादी वादी हुई वो फिर सब छूट छाड़ गया तो अब भी उसको ऐसा लगता है कि मुझे दादा बोलती है हमारी तरफ बड़े भाई को दादा बोलते हैं तो दादा गाना गा के भेजती है मुझे वॉइस नोट और अब वो बेसुरी हो चुकी है और उसको पता नहीं है ये बात तो और उसको लगता है कि दादा तो अभी फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक इंडस्ट्री में उससे गाना भी गवा सकता है या मेरी एक एल्बम बनवा सकता है और मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि तू बेसुरी हो गई है तो वो मुझे याद आई तो मुझे लगा वो करते हैं इस कैरेक्टर में वो इतना ट्रैजिक होता है जब यू नो हफ्ते में या 15 दिन में एक बार एक वो वॉइस नोट आता है कि शायद अब दादा बोलेगा कि हाँ आ जा तू बॉम्बे आ जा गाना करते हैं अब उसमें ऑटो ट्यून करके मैं गाना एक्चुअली कर सकता हूँ उसके साथ बट वो अनदर लाय होगा उसके लिए आजकल ऑटो ट्यून में तो मतलब आधे ज़्यादा सिंगर बेस हो रही हैं सॉरी तो वो किया जा सकता है लेकिन आप सोचो एक एक लड़की की पूरी यात्रा जो बचपन से जब वो गाती थी तो हम लोग सुनते थे शादियों में सगाइयों में अब वो सुर में नहीं है तो मेरा वो है वहाँ से आया एक सवाल और पूछना चाहता था कि क्या कभी फिल्म लिखते वक्त ये ख्याल आया कि तापसी एक हाउसवाइफ ना हो और उन्हीं की तरह उनके हस्बैंड की तरह काम कर रही हो और फिर ये सब उन दोनों के बीच में होता है कहीं ये ख्याल भी था या जिस तरह से लिखी गई उसी तरह से लिखी Actually, when Sir first told me what he had in mind, it was very clear that it's a housewife. So we toyed with the idea of maybe ke side mein kuch karti ho. So the introduction of Kathak, ke maybe she has a bigger class, etc. We toyed with those ideas, but when we arrived on the idea that she is a housewife by choice and she is you know very happy with that, she's made her peace with that. And we felt like that is something worth exploring. So we didn't go for any of those. Actually, we also wanted to see housewives as, you know, not out of compulsion. If some women can choose to be a housewife and be a very happy housewife. I think that was the incredible decision of the that her being just a housewife and not. क्योंकि एक ये भी concept होता है कि जो औरत housewife है तो बेचारी deprived है कोई जरूरी नहीं happy भी हो सकती हाउसवाइफ्स को पता है और क्या कहा जाता है होममेकर हाँ इट्स सच अ वैल्यूएबल जॉब दैट इट्स टाइम दैट वी स्टॉप्ड कॉलिंग देम हाउसवाइफ्स वी कैन कॉल देम होममेकर्स बिकॉज़ यू नो व्हाट दैट्स आल्सो अ ट्रैप दिस इज अ बिग फ्रॉड दैट हैज हैपेंड विद वुमेन
That's all right. We have given you it's such a choice. If a woman is making that choice, it's her choice. I'm saying something else. And we have to respect that also. Patriarchy has inflicted such immense fraud upon women that you are devi. You are on the pedestal. Your bardash ki shamta zyada hai. Ghar bachane ki zimmedari aapki hai. To aapko bevkoof banaya gaya. Any more questions? Do we have time? Anubhav ji. एज अ डायरेक्टर आपको कितना कितना चैलेंजिंग था इस फिल्म को डायरेक्ट करना, क्योंकि इसमें स्क्रिप्ट भी अगर देखा जाए तो बहुत मोड़ से घूमता है, तो आप को राइटर भी हैं इस फिल्म के, तो कितना चैलेंजिंग था ये फिल्म आपके लिए? जैसा मैंने शुरू में बोला ना, ये बहुत बोरिंग भी शूट हो सकती थी और फिर ना शायद उतनी एंगेजिंग नहीं होती. तो मेरी जो बड़ी, एंड व्हेन आई से शूटिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेक इट लुक गुड. I'm talking about how to. It's a very internal film, no? So वो जब रात को खड़ी होती है, जब वो सोफे ठिकाने पे लगाना शुरू करती है, तो अब आप उसमें क्या करेंगे? वो उसके अंदर चल रहा है कि ठीक है, मैं ना अब इस मोमेंट से आगे निकल जाता हूँ. Let's go past it. It's okay. So she's trying to reorganize things. I don't know. मैं गलत सोच रही हूँ. ठीक है उसको. How do you capture that? So it's just about the actor and one camera, and you know, and the whole film is like that. It's about just looking at somebody and you know, पीछे वो एक बूढ़ा couple जो है अपनी anniversary celebrate कर रहा है और वो husband अपने WhatsApp पे लगा हुआ है. So very internal, so it's very difficult. I mean, to me, it's the most difficult film that I've shot, even more difficult than Ravana, which was a tough one to shoot. I know I didn't make it well, but it was difficult to shoot. मेरा सवाल आपसे है, हीना कुमावत फिल्म से एक सीन था जब उसे थप्पड़ पड़ता है, उसके बाद वो तीन दिन लगातार इंतजार करती है, मतलब जो उसका रूटीन है वो डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन वो इंतजार करती है कि मेरे बारे में कोई सोच रहा है. तो वो बहुत टचिंग सीन था. और लास्ट में वो अपनी सास के पास जाकर यही बोलती है कि मुझे थप्पड़ पड़ा ठीक है, लेकिन मुझे विक्रम की वाइफ की वजह से प्यार मिलता था. तो कहीं आपने वो सोचा सीन में कि सॉरी बुलवाया जाए फैमिली से? क्योंकि बहुत जरूरी था. आपको बताना चाहिए. सॉरी नहीं बुलवाना चाहिए था, मतलब अब उस पॉइंट पे अगर आके सॉरी कहा भी गया ना, तो उसका कोई मतलब नहीं था. वो बहुत लास्ट में जब बोला तब तो पानी सर के ऊपर से निकल ही गया से जा चुका. लेकिन तीन दिन इंतजार करती है अमृता, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो सीन यही करने का था. वो वेट कर रही थी कि आप बोलो, लेकिन माँ पूछती है विक्रम सोया या नहीं सोया. विक्रम सोया. विक्रम कहता है मैं इमोशनली अटैच हूँ कंपनी से. तो मतलब वो बहुत ज्यादा, वो उसके बाद वो रिएक्ट करती है कि नहीं, यहाँ मेरी वैल्यू नहीं है. मैं पढ़ रही थी वो सॉरी नहीं बोल रहा था, वो बोल नहीं रहा था. ठीक है, फिर वो जो सीन आया जब वो घर आता है उसको लेने के लिए, जब वो फूडी वाली लाइन भी आती है, उसमें सर ने ये लाइन लिखी हुई थी कि मैंने अब सॉरी बोल दिया ना, तो उस टाइम मैंने कहा वापस पीछे गई मैं पेजेस, मैंने कहा नहीं बोला था. सो देन आई वेंट विद दैट थिंग एज अ नोट टू सर, एज सर आपने लिखा था उसने सॉरी बोला, बट उसने सॉरी नहीं बोला, तो उसको मत बुलवाओ सॉरी, बिकॉज ही इज कन्वीनियंटली फॉरगॉटन. एंड आई एम नॉट फीलिंग कि जानबूझ के आपने नहीं रखा. मुझे लग रहा है कि हाँ वो इतनी जस्टिफिकेशन दे रहा है कि जरूरत नहीं है सॉरी की, वो जस्टिफिकेशन दे रहा है उसके काम करने के ऐसा. So then sir was like then he removed that line from there and we kept it till the end ki usne realize nahi kiya usne sorry nahi boli. I remember Vishal ka beta, Vishal Bhardwaj ka beta, Vishal uska beta saath saath aaya picture dekhne office, to wo bahar aaya aasman, he was so angry, he is saying sorry, why isn't he saying sorry? I'm sorry, man.
दुनिया में आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमारे होम मिनिस्टर सॉरी बोलते तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। Thank you for making this film. The preconceived notion that I came with has been positively shattered. जितने लोग भी यहाँ पे हैं, जितने भी मर्द हैं, वो लोग जब बाहर निकलेंगे तो शायद प्लीज़ अपनी माता को, अपनी गर्लफ्रेंड को या किसी भी महिला को जिसको आप जानते हो उसको अप्रिशिएट करना और अपने बारे में सब चीज़ें मत बना देना जैसे पवेल जी ने बनाई थी विक्रम ने। थैंक यू सो मच पवेल, यू डिड अ गुड जॉब एंड आई अप्रिशिएटेड यू। I'd like to say, ये मूवी, there's a lot of vermicillitude in the movie. I see there's a lot of realism. जैसे मूवी अनफोल्ड होती है, भले ये काल्पनिक स्टोरी है, बहुत ज़्यादा रियलिटी मुझे दिखती है इसमें। इट्स लाइक सच में वो घटना हो रही है स्क्रीन के सामने। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो स्क्रीन पे लिखा गया है, लॉट ऑफ लिबर्टीज मस्ट हैव बीन टेकन बाय एक्टर्स, बाय द स्क्रीन प्ले राइटर। मैं जानना चाहता हूँ कि ये आमतौर पर हम नहीं देखते मूवी में, तो क्यों इतना ये वास्तविक लग रहा था जो मैं देख रहा था? मैनु की पता, थैंक यू, साउंडेड लाइक अ कॉम्प्लीमेंट। लाइक आई सेड यार, मतलब वो लिखते समय भी हम लोग ऐसा घरेलू, मैं और नुनमई दोनों मिडिल क्लास मेंटेलिटी के लोग हैं, हालांकि मैंने बैलेंस ज्यादा पहना है। देख रहा हूँ कश्यप से इतना जेलस रहता हूँ, मैं कल कश्यप को इतनी बैलेंस ज्यादा पहने हुए देखा तो मैंने कहा हाँ खरीदना पड़ेगा। तो हम एनी नो, तो हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, तो वो बहुत ही मिडिल क्लास आइडियाज भी आ रहे थे और सहजता इस फिल्म की मेरे ख्याल से यूएसपी थी, जो जो कश्यप ने जो फिल्में मुझे देखने को दी थी ना, वो हालांकि इन टर्म्स ऑफ जॉनर काफ़ी अलग थी इससे, लेकिन उन फिल्मों में, ईरानियन फिल्मों में स्पेशली टर्किश फिल्मों में बड़ी सहजता होती है, तो वो शायद वहाँ से चुराई में। नहीं बट द फिल्म नेवर लॉस्ट दैट ग्राउंड ऑफ लाइक इट वाज सो रूटेड द इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज, एक्सटेंडेड फैमिलीज, वो जो फीलिंग आती है, इवन द प्रिविलेज फैमिली, लाइक फैमिली दैट पावेल कम्स फ्रॉम, एवरीथिंग, आई एम थिंक इट द डिटेलिंग ऑफ द वर्क एंड द डायनेमिक्स वॉज सो वेल स्ट्रक्चर्ड। ऑल्सो बिकॉज वेन आई शूट नो आई हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट क्रू मेम्बर ऑलवेज ऑन सेट, वन इज माई को राइटर और द राइटर एंड वन इज द एडिटर, सो वी एडिट द फिल्म वाइल एंड इट्स नॉट ऑनलाइन एडिट लाइक अ रफ एडिट टू जस्ट गेट एन आइडिया, सो देर इज अ प्रॉपर टू एडिट सेटअप्स ऑन लोकेशन। So there's an assistant editor who's lining up, there's an editor who's editing, and then there is this writer who makes dirty faces, so who's always on set. So every time, even you're doing something good, she's making a dirty face and look at what happened. No, it's nice. You know, and there's another incredible performance in the film. Please show us that face, no? There's another incredible performance in the film of the maid, Geeta Walian's one. Yeah. Geeta Walian. And her character and her dynamic, which is so far away. She goes through her own world and she comes into this world and she looks at Amrita, and then she goes back home and she's looking at her husband and saying, "Marte to sab hai." I think that was something that completely blew me. Wait. So actually, that was a Bihari bhai first. So Nandita showed me certain, you know, Nandini showed me some auditions. And there was this girl who was Haryanvi, was trying to do a Bihari audition, which wasn't coming out well. But she looked very interesting to me. So I said, who is she? This is Sony and Netflix. And she was so the lead in Sony. Yeah. So the film was set in Delhi. So I said, we can easily have a Haryanvi bhai. So then we said, ask her to translate these dialogues into Haryanvi and do a Haryanvi audition. And then she came out with flying colors. So I changed the character to Haryanvi, and then she actually translated all the dialogue and also her husband's dialogue to that, and what an incredible act. Is she Haryanvi herself or? And her husband, we cast him from Lucknow, so I told her to audition the guy, can he handle the Haryanvi well, so she auditioned him and quietly, and I said go rehearse with him, so she came and she said ho jayega, so maine kaha theek hai. Uske baad se wo bechara Sandeep Yadav naam hai uska, wo na roz aata tha set pe aur गीतिका के पैर ही छूता रहता था कि बहन मैं प्लीज तेरे को लग जाए। अच्छा मेरी डील ये थी कि मार पड़ेगी, थप्पड़ पड़ेगा,
तो दिन भर उसके पैर छूता रहता था सच में, तो 7-8 दिन तक उसके पैर छूता रहा। फिर उस दिन रिहर्सल हुई तो वो कुछ ऐसा डिजाइन हो गया कि वो पूरा सिंगल शॉट करने जा रहे थे हम लोग, तो अब उसमें चीटिंग के चांसेस और कम हो गए। तो अब वो मार रहा था उसको, मतलब मारने वाला था टेक में, दो टेक हुए थे उसके। तो फाइनली वो मेरे पास भाग गया है टेक के ठीक पहले, जब वो जिससे पहले क्यों चाकू, जिसके बाद वो चाकू लेने जाती है, तो वो भाग गया है मेरे पास, बोला सर आखिरी ना धर के दूंगा इसको। तो मैंने कहा हाँ मार देना, हरियाणवी है वो, मतलब ऐसा कोमल नहीं है, वो दुबली पतली दिखती है, कोमल नहीं है। तो उसने जो रख ही दिया उसको, एक वाकई बाहर आवाज आई, उसने जैसी रखा तो बेचारी का हाथ ने इंस्टिंक्टिवली यहाँ चला गया, लगी उसको बहुत तेज। तो जैसे उसका हाथ गया तो फिर संदीप पागल ही हो गया, फिर उसने रख रख के हाथ पे दिया क्योंकि अब उसको शील्ड मिल गई। उसके बाद मां गई उधर चाकू अकेले गए, उसने मारना शुरू किया, इतना मारा उसने, वो गिरता है ना तो वो गिरना शॉट में डिजाइन नहीं था, उसने इतना मारा कि वो एक्चुअली बेचारा गिर गया नीचे, अच्छा खासा अट्टा कट्टा आदमी। सो दैट्स और वो उसकी सबसे क्यूटनेस। सो दो ऐसे एक्टर्स मिले मुझे पीछे, एक आर्टिकल 15 में सुशील पांडे, वो जो आयुष्मान का गनर था, जो बाद में पता चलता है कि वो उसने भी रेप किया था, तो वो हर शॉट के पहले मेरे पास आता था, उसको पता था मेरा सिर्फ एक सीन है पिक्चर में, जब पता चलेगा कि मैंने भी रेप किया है तो हर शॉट में आता था कि सर मैं वहाँ पीछे दूर खड़ा हूँ क्यों। तो मैंने कहा क्यों, तो मेरा डर ये था कि वो पकड़ा नहीं जाऊँ मैं, कि ये आदमी का कोई रोल है शायद। तो मैंने कहा हाँ खड़ा हो जाए, तो वो सॉफ्ट फोकस में दूर जाके खड़ा हो जाता था। वैसे ही गीतिका थी, ये हर शॉट में आती थी और मेरे पास कि मैं पीछे खड़ा सफाई करूँ, तो मैंने कहा कर ले, तो वो सॉफ्ट फोकस में पीछे सफाई कर रही है, उसका कोई काम ही नहीं है उसमें। बट क्या, आई लव एक्टर्स, दे आर वंडरफुल पीपल। अभी हम लोग बाहर बैठ के डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट फिल्म, एंड आई एम गोइंग टू वेट, थैंक यू टू सी यू टॉप दिस। ये मेरा अभी लेटेस्ट इंस्पिरेशन है लाइफ में, मुझे लग रहा था मैं खत्म हो गया सब कुछ, अभी मुझे अनुभव सिन्हा बनना है, और अगर आदमी अभी भी रीइन्वेंट कर सकता है तो मैं अपने आप को रीइन्वेंट करना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, इफ द मेन इन दिस ऑडियंस गो आउट थिंकिंग दे नीड टू रीकंडीशन एंड रीपोर्ट, देन आई थिंक वी आर ऑन टू अ ग्रेट थिंग। दिस फिल्म इज गोइंग टू गो इन मेनी मेनी प्लेसेस, इफ द मेन टेक इट, इट्स अप टू द मेन टू टेक इट। और मुझे एक बात और बोलनी है आपके जाने से पहले, कि फॉर यू नो मुझे लोग पूछते रहते हैं तेरा ये स्विच कैसा आया, स्विच कैसा आया, स्विच ऐसे आया कि मैं ऐसे दोस्तों से पिछले 15 साल से जेलस था, एंड सो ग्रेशियस ऑफ यू, कम आई लव यू।